Hello and James Soon and welcome back to your own channel Sattar Rupani, exclusive channel for ICSE board students. और आज बारी है treasure chest की second story, the glove and the lions. हाँ, ये poem आपको एक South Indian movie या एक popular Bollywood movie की story लगेगी. और यकीन जानिए, ये एक बहुत ही simple poem है. और इस poem को आपको अब justify करना होगा. हाँ, मैं चाहूंगा कि अंत सुन करके, इसका क्लाइमेक्स सुन करके आप मुझे बताइएगा क्या ये सही है. और लीग हंट एक बहुत ही पॉपुलर ब्रिटिश ऑथर रहे हैं और इन्होंने कई सारे जर्नल्स को पब्लिश भी किया है. और ये एक बहुत ही सिंपल और येट एक कह सकते हैं टचिंग पोम होगी. और मैं चाहूंगा कि आप पूरी पोम को सुनिए और आपको एक एक लाइन के साथ सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द ग्लव एंड द लायंस. किंग फ्रांसिस वॉज अ हार्टी किंग एंड लव्ड अ रॉयल स्पोर्ट. तो कहानी शुरुआत होती है, हाँ मैंने कहा ये पोम एक कहानी के रूप में है, तो इसकी शुरुआत होती है राजा किंग फ्रांसिस से, जो कि एक हार्टी किंग है. हार्टी वो किंग होता है जो हमेशा खुश मिजाज रहता है, एनर्जेटिक रहता है, और कह सकते हैं एक ऐसा राजा जो दूसरों के लिए अच्छी फीलिंग्स रखता है, वार्म एंड फ्रेंडली फीलिंग वाला राजा है किंग फ्रांसिस. और क्या पसंद है जानिए, राजा को पसंद है एक रॉयल स्पोर्ट. और ये स्पोर्ट क्या है? शेरों की लड़ाई, लायंस की फाइट देखना उसे बहुत पसंद है. आज राजा का वो फेवरेट दिन है जब राजा अपने ही लायंस को एक एरिना में, एक पिट में फाइट करता हुआ ऊपर से देख रहा है और साथ में बैठे हैं उसके कोटियर्स और नोबलमैन्स. तो वन डे हिज लायंस फॉट सेट लुकिंग ऑन द कोर्ट. तो राजा खुश है, आज अच्छे मूड में है क्योंकि उसे ये स्पोर्ट बहुत अच्छा लगता है. ध्यान दीजिएगा कि ये क्योंकि हिस्टोरिक एक स्टोरी है, तो उस समय राजाओं के लिए ये एक कह सकते हैं फाइटिंग देखना, स्पेशली एनिमल्स की फाइट देखना, एक बहुत ही ट्रेनिंग इवेंट रहा होगा. द नोबल्स फिल्ड द बेंचेस एंड द लेडीज इन देयर प्राइड. तो राजा के इस गेम को, इस रॉयल स्पोर्ट को देखने राजा अकेले नहीं है, साथ में उसके नोबल्स हैं, मंत्री हैं, कोर्टियर्स हैं और लेडीज भी हैं. और लेडीज प्रॉपर, यस प्रॉपर मेकअप में, प्रॉपर तैयारी में आई हुई हैं, इन देयर फुल यस गेटअप आई हुई हैं. तो एक खूबसूरत सा नजारा है, सारे लोग इस रॉयल स्पोर्ट को देखने आए हैं. एंड अमंग्स देम, उन नोबल्स में से, अमंग्स देम सेट काउंट डी लॉर्ग. काउंट डी लॉर्ग नाम का एक नोबल मैन भी है. क्यों इसकी चर्चा हो रही है जरा समझिएगा. तो काउंट डी लॉर्ग राजा का एक नोबल मैन है और विथ वन फॉर हूम ही साइड. ध्यान दीजिएगा, राजा एक लड़की को देखकर, ध्यान दीजिएगा, राजा एक लड़की को देखकर क्या करता है? आहें भरता है, साय करता है. और वो लड़की, वो खूबसूरत लड़की राजा को नहीं पसंद कर इस काउंट डी लॉर्ग को पसंद करती है. एंड ट्रूली इट वॉज अ गैलेंट थिंग, गैलेंट मतलब होता है ब्रेव, इट वॉज अ ब्रेव थिंग टू सी दैट क्राउनिंग शो. क्या शो चल रहा है? एक लायंस के फाइट का शो चल रहा है जिसमें लायंस एक दूसरे को मारने, काटने के लिए, खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं. तो इस शो को देखना अपने आप में एक कंप्लीट शो है, कह सकते हैं डिवाइन शो है, क्योंकि राजा ऑर्गेनाइज कर रहा है. तो आप जानते हैं कितना लेविश तरीके से राजा करते हैं. और क्या है? वैलर एंड लव. इस पोम का ये थीम भी है एक्चुअली, वैलर एंड लव, मतलब ब्रेवरी एंड लव. अ किंग एंड अ किंग अबव एंड द रॉयल बीस्ट बिलो. तो आप इमेजिन करिए, राजा ऊपर से और उसके नोबल मैंस ऊपर से देख रहे हैं, नीचे पिट में, एरिना में ये फाइट चल रही है, इन डेडली बीस्ट की, इन डेंजरस बीस्ट की फाइट चल रही है. आइए क्या होगा आगे. हाँ, ये शॉर्ट पोम है, चार पैराग्राफ में ही फिनिश हो जाएगी. रैम्ड एंड रोर्ड द लायंस.
the horrid laughing jaws. तो lions आपस में टकरा रहे हैं, दहाड़ रहे हैं और एक दूसरे को हिट कर रहे हैं. देखिए, with horrid laughing jaws, यहां पर lions के jaws के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो बड़े बड़े, आप देखते ही होंगे शेर के मुंह बड़े होते हैं और जब वो दहाड़ते हैं तो शायद आपके और मेरे भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं. They bit, they glared, gave blows like beams. तो ये lions क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, हिट कर रहे हैं अपने पाव से. पाव मतलब पंजे होता है. दे बिट कर रहे हैं, ग्लेयर कर रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे पे गुर्रा रहे हैं. ब्लो करना मतलब हिट मारना एक दूसरे को, जैसे कि बीम ऑफ लाइट की तरह तेज रफ्तार में क्या करना, दूसरे एनिमल को अपने पंजे मारना. एंड अ विंड वेंट देयर पॉज, और जब वो पंजे मार रहे हैं तो एक हवा सी, तेज सी हवा क्या हो जा रही है, उनके पंजों से लग के गुजर रही है. तो एक बहुत ही लिवली, एक बहुत ही हॉरिबल फिरोशियस फाइट चल रही है, डेडली फाइट चल रही है, और सब इसको एंजॉय भी कर रहे हैं. विथ बेलोइंग माइट एंड स्टिफल्ड रोर, अब आप इमेजिन करिए लायंस झगड़ रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं, दबा रहे हैं. स्टिफल करना मतलब होता है किसी के गला घोट देना, किसी को दबा देते हैं ना, सप्रेस कर देते हैं, उसे कहते हैं स्टिफल करना. तो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, वो दबा रहे हैं, एक दूसरे को रोर कर रहे हैं, जंप कर रहे हैं. बेलोइंग मतलब होता है रोल अबाउट, कूद जाना एक दूसरे के ऊपर. तो लायंस एक दूसरे पे कूद रहे हैं, अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरे लायन को वो स्टिफल कर रहे हैं. दे रोल्ड ऑन वन अनदर, रूल से सना ग्राउंड. और सोचिए, इमेजिन करिए शेर एक दूसरे के ऊपर रोलिंग कर रहे हैं. टिल ऑल द पिट विथ सैंड, तो वो पूरी पिट जहां पे ये एरिना जहां पे ये लायंस फाइट कर रहे हैं, वहां पर पूरी पिट में धूल उड़ रही है, क्योंकि लायंस झगड़ रहे हैं एक दूसरे से फिरोशियसली. एंड मेन वॉज इन थंडरस स्मूथ, तो लायंस के जो मेन होते हैं आप जानते ही हैं, शेरों के जैसे ना कहते हैं हैवी हेरी बॉडी होती है उनकी, तो जो नेक के रीजन में जो बाल होता है उसे मेन कहते हैं. तो उनके जो बाल हैं, जो जो बॉडी के नेक वाले रीजन में बाल होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, वो धूल से सन गए. इट इज कवर्ड, स्मूदर मतलब होता है कवर्ड, और इट इज ऑल कवर्ड, धूल से सना हुआ है. द ब्लडी फोम अबव द बार्स, और जहां जहां ये लायंस पिट में फाइट कर रहे हैं, इसके ऊपर एक ब्लडी फोम सा, खून के एक फोम सा, झाग सा क्या हो रहा है, कम विस्किंग थ्रू द एयर. इन लायंस के फाइट से जो खून निकल रहा है इनके शरीर से, वह खून विस्पिंग की तरफ से, अर्थात फोम के रूप में क्या हो रहा है, इस बार से बाहर जा रहा है. तो आप इमेजिन करिए क्या डेडली सीन होगा, कितने डेडली तरीके से लायंस एक दूसरे को मारने पे तुले हुए हैं. और मैंने कहा राजा के लिए तो यह बहुत ही बढ़िया एक रॉयल स्पोर्ट है. अब देखिए क्या कहेगा किंग. सेड फ्रांसिस, जो राजा फ्रांसिस वहां बैठा हुआ है, देन फेथ जेंटलमैन वी आर बेटर हेयर देन देयर, मतलब राजा ये यकीन दिलाना चाहता है कि हम सब सेफ है, हम वहां पिट पे नहीं है, लायंस के बीच में नहीं है, तो हमारा भी यही हाल होता. तो वी आर सेफ, वी आर बेटर हेयर अवे फ्रॉम दी लायंस. अब ये लाइन हर्ट कर जाएगी. किसको हर्ट कर जाएगी ये लाइन? हर्ट कर जाएगी द लेडी हु इज इन लव विद द काउंट डी लॉर्ग. एक ब्यूटीफुल लेडी है, आइए देखें. डी लॉर्ग्स लव, यहां डी लॉर्ग्स लव कौन है, मैंने बता दिया, वो लेडी जो डी लॉर्ग को बहुत प्यार करती है. ओवरहर्ड द किंग, वह इस बात को सुन लेती है राजा की कि हम यहां बेटर हैं, ऊपर जो बैठे हुए हैं लायंस के पिट से अवे बैठे हुए, हम सेफ हैं. अ ब्यूटियस लिवली डेम, डेम मतलब होता है यंग लेडी, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी यंग लेडी है. विथ स्माइलिंग लिप्स एंड शार्प ब्राइट आईज विच ऑलवेज सीम्ड द सेम, तो यह लेडी हमेशा इसी रूप में रहती है, अर्थात खूबसूरत अंदाज में रहती है, हमेशा चेहरे पे स्माइल होती है, और कह सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल दिखने वाली लेडी है. ऑलवेज दी सेम है, चमकीली बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी. शी थॉट द काउंट माई लवर इज ब्रेव एज ब्रेव कैन बी. अब
यहां पे लेडी से एक मिस्टेक होने वाली है। लेडी अपने लवर के बारे में, काउंट डी लॉर्ग के बारे में सोचती है कि मैं अपने लवर की ब्रेवरी को प्रूव करना चाहती हूं। उसे लगता है कि मेरा लवर जो है वो ब्रेवों में सबसे ब्रेव है, यहां बैठे सारे लोगों में वो सबसे ब्रेव है। और क्या करेगी देखिए, ही श्योरली वुड डू वंडरस थिंग टू शो हिज लव फॉर मी। और लेडी को यह यकीन है कि काउंट डी लॉर्ग उसका लवर उसके लिए कुछ अनोखा, कुछ वंडरस, वंडरस मतलब था सरप्राइजिंग, कुछ सरप्राइजिंग करेगा जो और कोई नहीं कर सकता क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। देखिए क्या करने वाली है, किंग लेडीज लवर्स ऑल लुक ऑन, सब देख रहे हैं, सारे लोग वहां बैठे हैं और सब देख रहे हैं। द ओकेजन इज डिवाइन, ये जो ओकेजन है वो डिवाइन है। डिवाइन तो वैसे गॉडली होता है पर यहां मतलब है यहां रेयर इवेंट है, ये बहुत ही रेयर मौका है। और क्या मौका है, ये प्रूव करने का कि काउंट डी लॉर्ग मुझसे बेहद प्यार करता है। लेडी ये प्रूव करना चाहती है। अब देखिए क्या करेगी, आई विल ड्रॉप माई ग्लव टू प्रूव हिज लव, ग्रेट ग्लोरी विल बी माइन। तो अब लेडी अपने हाथ में जो पहने ग्लव्स होती है उस ग्लव को क्या करती है, उस पिट में गिरा देती है, उस लॉयन के पिट में गिरा देती है जहां लायंस फाइट कर रहे हैं। क्यों, ताकि वो अपना प्यार दिखाने के लिए वो काउंट डी लॉर्ग को क्या करती है, एक तरह से चैलेंज करती है कि तुम मुझे अपना प्यार साबित करके दिखाओ, कैसे, मेरे गिरे हुए ग्लव्स को वापस लाओ। देख लीजिए एक बहुत ही डेंजरस काम है, सोचिए लायंस आपस में मार काट रहे हैं एक दूसरे को और उसमें अपने लवर को भेजना। आइए देखते हैं, शी ड्रॉप्ड हर ग्लव टू प्रूव हिज लव एंड देन लुक्ड एट हिम एंड स्माइल्ड। लेडी को इतना ही काम करना है, ग्लव गिराना है और अपने लवर जिसका नाम है काउंट डी लॉर्ग उसकी तरफ देखना है और मुस्कुराना है। जानते हैं अब लवर को भी अपने आप को साबित करना ही पड़ेगा। ही बोर्ड, ही कौन है यहां पर, काउंट डी लॉर्ग। तो काउंट डी लॉर्ग बो करेगा, बो मतलब झुकेगा, एंड इन अ मोमेंट, और एक पलक में लीव्ड अमंग द लॉयंस वाइल्ड, एक पलक झपकते ही क्या कर जाएगा, उन शेरों के बीच कूद जाएगा पिट में, बिना डरे कूद जाएगा। द लीप वॉस किक, लीप मतलब पता जंप, एक छलांग मारेगा और रिटर्न विथ वॉस क्विक, और सट से दूसरी इस छलांग में क्या करेगा, वो शेरों के बीच से वापस आ जाएगा। ही हैज रिगेन्ड हिज प्लेस, साथ में क्या ले आएगा, अपने वो ग्लव ले आएगा। तो लेडी का ग्लव वो एक पलक झपकते ही क्या करेगा, लायंस के बीच जाएगा, ग्लव पिक करेगा और लीप बैक कर जाएगा और अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहां पे ट्विस्ट है। देन थ्रू द ग्लव बट नॉट विथ लव राइट इन द लेडीज फेस। यहां पे काउंट डी लॉर्ग लेडी को ग्लव हाथ में नहीं दे रहा है कि मैडम पहन लीजिए, बल्कि ग्लव उसके चेहरे पे फेंक दे रहा है, कह रहा है ये ले। हाँ, मेरे अंदाज में उसके चेहरे पे फेंक दे रहा है। आप समझ जाइए वो इंसल्ट कर रहा है लेडी की, सबके सामने उसने उस लेडी, काउंट डी लॉर्ग ने उस लेडी जिस जो उसे प्यार करती थी उसको इंसल्ट कर दिया, उसके चेहरे पे फेंक दिया। और देखिए अब यहां पे किंग क्या बोलेगा, बाय गॉड सेड फ्रांसिस, राजा जो अभी तक देख रहा था ये सीन, देखिए क्या बोल पड़ेगा, राइटली डन, तुमने बहुत सही किया, ही रोज फ्रॉम वेयर ही सेट। राजा अपनी जगह से खड़ा हो गया और कहा सही किया है काउंट डी लॉर्ग, तुमने सही काम किया है, ये जो ग्लव है तुमने अच्छा किया लेडी के मुंह पे फेंका, ताकि लेडी को क्या हो, उसकी गलती का एहसास हो। देखिए क्या कहेगा किंग फ्रांसिस, नो कोथ ही, नो लव मतलब ये प्यार नहीं है लेडी की तरफ से, या एक्शन सच्चा प्यार नहीं हो सकता बट वैनिटी हो सकता है। सेट लव अ टास्क लाइक दैट, क्योंकि अगर आप अपने लवर की जान खतरे में डाल रहे हैं सिर्फ क्या प्रूव करने के लिए, अपना घमंड, अपनी ब्यूटी दिखाने के लिए, अपना सच्चा लवर को प्रूव करने के लिए उसकी जान को खतरे में डाल रहे हैं, इसीलिए वैनिटी मतलब होता है एक्सेसिव प्राइड। तो ऐसा काम देना अपने लवर को जहां उसकी जान भी जा सकती थी, हाँ काउंट डी लॉर्ग की जान भी जा सकती थी अगर लायंस उस पर झपट जाते तो। तो इस तरीके से राजा इसको डिसअप्रूव करता है,
ना पसंद करता है और काउंट डी लॉर के एक्शन को सही कहता है। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द पोम। और मैं तुम लोग से कहूंगा हां कि तुम लोगों को बताना है कि क्या काउंट डी लॉर्ग सही था। तुम्हारा जवाब क्या होना चाहिए मुझे तुम सबके, यस मुझे मेरे सुपरस्टार्स के जवाब चाहिए। यकीन जानिए मैं आपके इस पोम के कह सकते हैं कंक्लूजन का रिमार्क चाहता हूं तुमसे। मुझे यकीन है पोम बहुत इजी है, आपने इस पोम को कहीं ना कहीं मूवी में भी शायद हो सकता है कहीं ना कहीं देख लिया हो या ऐसा सीन कल्पना कर ली हो। और एक बहुत ही सिंपल पोम है पर आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। सो दिस ब्रिंग्स टू द एंड एंड रियली रियली गॉड ब्लेस यू। हम सारी पोम्स को सारे लेसन्स को सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में करते रहेंगे। तो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।